इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान ने शनिवार देर रात इजरायली क्षेत्र पर हमला कर दिया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। इसराइल ने दावा किया कि इसराइल और अन्य देशों ने 300 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी देशों ने इसराइल का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान के हमले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका देश ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन वो इसराइल की रक्षा के समर्थन में काम करने में संकोच नहीं करेगा। बता दें, इससे पहले ईरान ने भी अमेरिका को खुली धमकी दी थी। खबरों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इसराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करेगा तो ईरान अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। तेहरान ने स्विट्जरलैंड के रास्ते अमेरिकी प्रशासन को संदेश भेजा है। अमेरिका ने ईरान को क्या दिया जवाब? अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और इसराइल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने आगे बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इसराइल के खिलाफ दागे गए मिसाइलों पर कार्रवाई की है। अमेरिका इसराइल की रक्षा और वहां के लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। जो बाइडेन ने बुलाई आपातकालीन बैठक। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ईरान के हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उन्होंने इस मामले पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। जो बाइडेन ने आगे की स्थिति पर विचार विमर्श करने और अग्रिम कार्रवाई के लिए तत्काल G7 नेताओं की भी बैठक बुलाई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है। उन्होंने कहा, आज तड़के ईरान और यमन, सीरिया तथा इराक और उसके हमदर्दों ने इसराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया। मैं इन हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। बता दें, ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, हालांकि इसमें से ज्यादातर हमलों को निष्क्रिय कर दिया गया। बताया जाता है कि यह हमला दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इसराइल के कथित हवाई हमले के प्रतिशोध में किया गया है।